नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आरपीयूपी एक्ट के चल रहे सीरीज़ का आज यह तीसरा वीडियो है। आज हम इसमें सेक्शन 8 से लेकर के 10 तक की चर्चा करेंगे। आरपीयूपी एक्ट 1966, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, यह एक आरपीएफ के लिए स्पेशलाइज्ड एक्ट है और आरपीएफ को इसमें रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही साथ इस पर जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो रेल सुरक्षा बल द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इस एक्ट में 5 वर्ष की सज़ा होने के बावजूद भी यह एक्ट संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसी कारण इसकी जो है इंक्वायरी वो सारी आरपीएफ की जिम्मेदारी रहती है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 8, धारा 8 क्या बोलता है। धारा 8 कहता है इंक्वायरी हाउ टू बी मेड, मतलब कि इंक्वायरी जांच कैसे की जाएगी। तो जांच करने के लिए सबसे पहले सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था, उसी का सेक्शन 7 के बाद ही आगे चीज़ें हैं। सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 8 बोल रहा है कि व्हेन एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और इज फॉरवर्डेड टू हिम अंडर सेक्शन 7, ही शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इन टू द चार्ज अगेंस्ट सच पर्सन। मतलब कि तीन कंडीशनों में हमें जाँच की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हमें युक्ति युक्त सूचना प्राप्त हुई हो कि इस प्रकार का इस एक्ट के तहत कोई अपराध किया गया है। साथ ही साथ अगर हम किसी व्यक्ति को ऑफिसर ऑफ द फोर्स अरेस्ट करता है या अंडर सेक्शन सेवन में जो कहा गया है कि कोई सिविलियन या अदर पर्सन जो है वो डिस्पोजल ऑफ अरेस्टेड पर्सन कैसे करेगा, तो उसके तहत अगर ऑफिसर ऑफ द फोर्स को मिलता है तो वो इंक्वायरी के लिए प्रोसीड करेगा, मतलब जांच के लिए अग्रसरित होगा उस व्यक्ति के विरुद्ध। जांच के तहत वो क्या क्या कार्य करेंगे, तो सबसे पहला है कि लिखा है जांच के दौरान फॉर दिस पर्पज़ द ऑफिसर ऑफ द फोर्स में एक्सरसाइज द सेम पावर्स एंड सेल बी सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजंस एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज एंड इज सब्जेक्ट टू अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ कॉग्निजिबल केस। मतलब कि इस सेक्शन के तहत जो है यह कहा गया है कि ऑफिसर ऑफ द फोर्स वो सारी शक्तियों का उपयोग कर सकता है जो एक पुलिस ऑफिसर को एक कॉग्निजिबल ऑफेंस के अन्वेषण के दौरान उसे लागू होता है। बाकी क्या है, इसके बाद कहता है कि इसके अलावा प्रोवाइड दैट, जो ये दो चीज़ें मिली उसके अलावा तो और कंडीशंस हैं। वो कंडीशन कहता है कि इफ़ द ऑफिसर ऑफ द फोर्स इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज़ अ सफिशियंट एविडेंसेस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ही शैल आइदर एडमिट हिम टू बेल टू अपियर बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन द केस और फॉरवर्डेड हिम इन कस्टडी टू सच मजिस्ट्रेट। पहला कंडीशन बोलता है कि अगर ऑफिसर ऑफ द फोर्स के पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, साथ ही साथ रीजनेबल ग्राउंड है, युक्ति युक्त ग्राउंड है यह सस्पिशन उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में संदेह के तहत, तो वो या तो उसे बेल पर छोड़ेगा और उसे उसके प्राधिकार में पड़ने वाले मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर होने के लिए कहेगा या फॉरवर्डेड हिम इन कस्टडी टू सच मजिस्ट्रेट, या तो वो उस मजिस्ट्रेट के कस्टडी के लिए उसे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा। ये तो हुआ कि भाई पर्याप्त संदेह और पर्याप्त साक्ष्य हो। अब पर्याप्त साक्ष्य ना हो और संदेह हो तो उस कंडीशन में भी है। उस कंडीशन में कहता है कि इफ़ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर ऑफ द फोर्स दैट देयर इज नॉट सफिशियंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ही शैल रिलीज द एक्यूज्ड पर्सन ऑन हिज एक्सिक्यूटिंग अ बॉन्ड
with or without sureties, as the officer of the force may direct to appear, if and when so required before the magistrate having jurisdiction, and shall make a full report of all the particulars of the case to his official superior. मतलब कि अब अगर ऑफिसर ऑफ द फोर्स के पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ युक्तियुक्त ग्राउंड भी नहीं है उस एक्यूज्ड पर, अभियुक्त पर सस्पिशन करने के लिए, तो वो उसे एक बॉन्ड के तहत, जो कि प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित, मतलब विद और विदाउट सिक्योरिटीज़ हो, उस पर वो छोड़ देगा और उसे डायरेक्ट भी करेगा कि उसे जब इस केस के तहत उसकी ज़रूरत होगी तो वो अपने प्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास, जहां उसे बुलाया जाएगा, वो आएगा, साथ ही साथ इसकी एक फुल रिपोर्ट बना करके, पूर्ण रिपोर्ट बना करके उसे अपने ऑफिसर ऑफ द फोर्स जो है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को सुपुर्द करेगा। तो ये था सेक्शन 8। आगे चलते हैं, आगे है सेक्शन 9। सेक्शन 8 के तहत था कि कैसे हम जांच करेंगे, सेक्शन 9 में है कि अब हम कैसे किसी को समन करेंगे। तो जैसे कि समन जो है वो सीआरपीसी के दायरे में आता है, सीआरपीसी के दायरे में आने के बावजूद भी यह जो है एक स्पेशल एक्ट है, तो इस स्पेशल एक्ट में भी प्रावधान किया गया है कि आप इस एक्ट के लिए जो समन इशू करते हैं वो सेक्शन 9 के तहत होता है। लेकिन जितने भी प्रोसीड्योर हैं उस समन को, समन को डिस्पोजल में, वो सारे सीआरपीसी से फॉलो किए जाते हैं। तो सेक्शन 9 बोलता है, पावर टू समन पर्संस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। मतलब कि किसी व्यक्ति को समन करने के लिए, किस लिए, कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज और साक्ष्य को देने के लिए। तो इसका फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स शैल हैव पावर टू समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसीडर्स नेसेसरी आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग इन एनी इंक्वायरी विथ सच ऑफिसर इन मेकिंग फॉर एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि ऑफिसर ऑफ द फोर्स जो है वो इस, उसको यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने के लिए समन कर सकता है, जो कि किसी प्रकार का वो उससे या तो साक्ष्य मिले, या फिर उससे कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना हो, या और कोई भी चीज़ें जो इस केस को, जो इस केस को सर, मतलब कि इस एक्ट के पर्पज़ के तहत जो है ज़रूरी हो। तो ये फर्स्ट क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज में क्या है कि आप किसी भी को, किसी भी व्यक्ति को समन आप कर सकते हैं, ऑफिसर ऑफ द फोर्स कर सकते हैं, जहाँ से कि साक्ष्य मिलने के आसार हैं, साथ ही साथ कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हो वो प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है, और भी अदर कोई भी चीज़ जो कि आपको लगे कि ये इस केस के लिए, इस एक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन 2 उसी में सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, सेक्शन 9 क्लॉज 2 बोलता है, अ समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग मे बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट और थिंग्स और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स ऑफ अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन इन द पोजिशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन समन। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को यह समन किया जाएगा, उस व्यक्ति को उसके केस से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, साक्ष्य हैं, वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो बाध्य है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि सेक्शन 9 क्लॉज 3 बोलता है, ऑल पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड आइदर इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड एजेंट एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट एंड ऑल पर्सन्स हु समन्ड शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट्स एंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स एज मे बी रिक्वायर्ड। मतलब क्या गया कि जितने भी व्यक्तियों को समन किया गया है इस धारा के तहत, वो अटेंड करने के लिए बाध्य हैं, वो सारे लोग उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो
अपने एक ऑथराइज्ड एजेंट को भी वहाँ पर बाउंड है जो उस ऑफिसर के पास भेजे। साथ ही साथ वो अगर अटेंड करते हैं तो वो सत्य बोलने के लिए भी बाध्य हैं। अगर वो सत्य नहीं बोलते हैं तो उन पर जो कार्रवाई होगी वो आगे लाइन में लिखा है कि अगर वो सत्य नहीं कहते हैं, मिथ्या अगर मिथ्या गवाह देते हैं तो प्रोवाइड दैट द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 शैल बी एप्लीकेबल टू रिक्विजिशंस फॉर अटेंडेंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब क्या है कि ये सारे लोग बाध्य हैं आने के लिए, सिवाय उनको जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 132 और 133 के तहत एग्जम्प्टेड किए गए हैं। तो कुछ नहीं है, सेक्शन 132 और 133 बाद में हम जिक्र करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। सिर्फ वन लाइनर में यहाँ आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 132 क्या बोलता है। तो सेक्शन 132 बोलता है एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फॉर पर्सनल अपीयरेंस, मतलब कि कुछ जो है औरत जो है उन्हें उपस्थित होने के लिए एग्जम्पशन दिया है, उपस्थित होने के संबंध में उनको छूट दी गई है। इसमें वही है कि कोई नॉर्मली इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इसका डिस्कशन बाद में इसका पूरी तरीके से करेंगे। बेसिक्स अगर जान ले तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको अटेंडेंस के लिए नहीं आना है, साथ ही साथ कोई पर्दे में रहने वाली औरत है जिसे कि कानून के तहत छूट मिला है तो उनको वहाँ आने से पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन है। साथ ही साथ सेक्शन 133 में जिन्हें एग्जम्पशन है उसमें एग्जम्पशंस ऑफ अदर पर्सन्स, मतलब वो तो स्पेशली 133 वुमेन के लिए था, औरतों के लिए था, उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि एग्जम्पशन मिला हुआ है उपस्थिति दर्ज कराने से। साथ ही साथ अब देखते हैं हम सेक्शन 9 क्लॉज 4। सेक्शन 9 क्लॉज 4 जो है, क्लॉज 3 में यह बोला था कि जो भी व्यक्ति उपस्थित होंगे वो सत्य गवाह देने के लिए बाध्य हैं, और अगर वो सत्य नहीं बोलते हैं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि एवरी सच इंक्वायरी एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पिनल कोड। मतलब कि इस सेक्शन के तहत जो भी इंक्वायरी की जाएगी वो सारी जो है न्यायिक कार्यवाही कही जाएगी, और न्यायिक कार्यवाही कही जाएगी और विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, जैसे कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 193 और 228 में जो जिक्र किया गया है उसके तहत जो है यह जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, इसे आप याद रखें। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से इस साल के लिए या VVIP है, आप इसे आसानी से याद रखें। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डिस्क्राइब्स दैट द इंक्वायरी कंडक्टिंग इन RPUP एक्ट इज डीम्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मतलब कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत RPUP एक्ट के द्वारा की गई जांच की कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना गया है। तो ऑप्शन दोनों दिया रहेगा आपका, सेक्शन 193 और सेक्शन 228। अब सेक्शन 193 और 228 IPC में जिक्र करेंगे, वन लाइनर यहां पर जान लेते हैं क्या है। तो सेक्शन 193 बोलता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मतलब मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दंड। मतलब कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते आप किसी भी कार्यवाही में सच बोलने के लिए बाध्य हैं। अगर आप सच नहीं बोलते हैं तो उसके लिए भी, आप सच्ची गवाही पेश नहीं करते हैं उसके लिए भी पनिशमेंट है। और नीचे का एडिटिंग कुछ गलत है, वो सेक्शन 193 ऑफ IPC की जगह सेक्शन 228 ऑफ IPC रीड करें। वो सेक्शन 228 ऑफ IPC बोलता है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब न्यायिक कार्यवाही पर बैठे हुए व्यक्ति की अवमानना करना। तो यहाँ एक उदाहरण से मैं बताऊँगा आपको, कभी भी लॉज को उदाहरण से कनेक्ट करेंगे, वो फिल्मों से कनेक्ट करेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ एक फिल्म का उदाहरण दूँगा कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की वो मूवी थी जिसका नाम था रुस्तम। रुस्तम मूवी में आपने देखा था कि वो पत्रकार जो है वो कोर्ट की कार्यवाही में कभी वो फ्री का अखबार बांट रहा था, कभी वो कोर्ट में कुछ बोल रहा था, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, वो न्यायिक कार्यवाही में बाधा पहुंचा रही थी। तो उसको एक दिन का सज़ा
एक दिन का कारावास भी दिया गया था, 100 रुपये का फाइन, ऐसा कुछ उस फिल्म में है। तो वही चीज़ है, ये है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई कर रहा है तो उसको आप इंसल्ट और उस पर बाधा नहीं पहुंचाएंगे उसके कार्य पर। तो ये था सेक्शन 9 कि कैसे हम समन करेंगे और समन का कैसे आगे कार्यवाही होगी। अब है सेक्शन 10 कि अब हमको अगर सर्च वारंट लेना है, जैसे कि RPUP एक्ट की इंक्वायरी कर रहा है कोई अफसर, उसे पता चला कि भाई फलाने जगह पर चोर और माल दोनों हैं, हमको उस जगह का सर्च करना है और सर्च करके उसको पकड़ना है, तो सर्वप्रथम तो सर्च का वारंट लेना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि सर्च का वारंट कैसे मिलेगा। तो सेक्शन 10 बोलता है इशू ऑफ सर्च वारंट। इशू ऑफ सर्च वारंट पे देता है क्लॉज 1 में कि इफ़ एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, हाईलाइट है रेलवे प्रॉपर्टी, विच हैड बिन स्टोलन और अनलॉफुली ऑब्टेंड, ही शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द एरिया इन विच दैट प्लेस इज सिचुएटेड फॉर इशू ऑफ अ सर्च वारंट। मतलब अगर बल के अधिकारी को, ऑफिसर ऑफ द फोर्स के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कि रेलवे प्रॉपर्टी बेचने के लिए या उसे जमा करके रखी गई है और वह स्टोलन और अनलॉफुली ऑटेड, मतलब वह चोरी से या अवैध कब्जे के तहत प्राप्त की गई है, तो वह अपने अधिकार प्राप्त क्षेत्र पर मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देगा, किस लिए, फॉर इशू अ सर्च वारंट, कि एक सर्च वारंट इशू किया जाए। अब सर्च वारंट में होता क्या है, मोटा मोटी हम बता दें आपको। सर्च वारंट में नेम सबसे पहले तो दुकान का होगा, तो वो दुकान का नाम होगा, उस दुकान की एरिया लिखी होगी और उस सर्च वारंट पर प्राधिकार क्षेत्र लिखा होता है, साथ ही साथ उस सर्च वारंट को एक्सिक्यूट करने वाले ऑफिसर का नाम, मतलब कि सर्च वारंट को एक्सिक्यूट करने वाले ऑफिसर का भी नाम लिखा होता है और उस पर जो है न्यायालय की मुहर होती है और न्यायिक दंडाधिकारी का सिग्नेचर होता है। नॉर्मल सा एक खाका अपने दिमाग में बैठाएं, बाकी हम वारंट चैप्टर जब पढ़ेंगे CRPC में तो उस समय आपको और ज़्यादा से इसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो वो सर्च वारंट उसको मिलेगा। अब उस सर्च वारंट का एक्सिक्यूशन कैसे होगा, उस सर्च वारंट का भी एक्सिक्यूशन जो होगा वो CRPC सेक्शन 100 जो है हाउस सर्च जिसमें जिक्र है उसके तहत से होगा। तो हम सेक्शन 100 जब CRPC पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर इसको इंटरलिंक करूँगा, जैसे यहाँ इंटरलिंक कर रहा हूँ कि सेक्शन 10 जो है सर्च वारंट इशू कराता है और सर्च वारंट को एक्सिक्यूट करते हैं हम CRPC 100 के तहत, मतलब जो CRPC 100 लिखा है। और जब मैं CRPC 100 पढ़ाऊँगा तो CRPC 100 में भी बताऊँगा कि RPF के लिए यह सर्च वारंट जो भी है इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सीधा सीधा आप यहाँ जाने कि ये जो सर्च वारंट ऑफिसर ऑफ द फोर्स को मिलेगा उसको एक्सिक्यूट करने का जो प्रोसीड्योर है वो CRPC 100 हाउस सर्च में लिखा हुआ है। अब जो क्लॉज 2 क्या बोलता है, सेक्शन 10 क्लॉज 2 बोलता है द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब सेक्शन 1 मे आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी बाई हिज वारंट ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द फोर्स। मतलब कि अब जो है ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट जिसने कि सबसेक्शन 1 के तहत जो है सर्च वारंट इशू किया है, अगर वह सोचता है कि भाई ये जो वारंट ऑथराइज इशू ऑफिसर को इशू हुआ है तो उसने वो क्या किया नेसेसरी एक्शन, तो है उस जो वारंट इशू हुआ उसके बाद जो वो नेसेसरी एक्शन जो लेगा वो ऑफिसर ऑफ द फोर्स वो कैसे लेगा। तो सबसे पहले कहता है कि टू इंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, मतलब कि जहाँ पर वो सर्च करने गया है उस वारंट को लेकर के, तो उसके प्राधिकार वाला जो आदमी है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जगह है वह उसको वहाँ पर प्रवेश की अनुमति देगा, साथ ही साथ उसे असिस्टेंस भी करेगा जितना जो भी चीज़ की सहायता चाहिए। दूसरा क्लॉज बोलता है टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, मतलब वारंट में जो मैनर दिया गया है उसी मैनर के तहत वो सर्च करेगा। ये नहीं कि अब ऑफिसर है आपको वारंट मिल गया किसी के घर का सर्च करने का तो उसके सामान को तितर बितर कर दिए उसकी क्षति की है, वो नहीं। एक मैनर्स हैं सर्च के, उस सर्च के अनुसार ही आप मैनर करेंगे, वो मैनर हम सेक्शन 100 ऑफ CRPC में पढ़ेंगे। बस इतना जाने कि जो वह सर्च वारंट इशू होगा उसको एक्सिक्यूट करने का एक जो मैनर लिखा हुआ है उसी मैनर के तहत उसको
स्पेसिफाइड मैनर से एक्सिक्यूट किया जाएगा या सर्च किया जाएगा जगह को। तीसरा बोलता है टू टेक पोजेशन ऑफ एनी रेलवे प्रॉपर्टी देयर इन फाउंड विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट्स टू बी स्टोलन और अनलॉफुली ऑब्टेन। मतलब कि क्या है, टू टेक पोजेशन ऑफ एनी रेलवे प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी रेलवे प्रॉपर्टी वहाँ पड़ा है उसको अपने कब्जे में लेंगे। फाउंड वहाँ पाया गया है जो, विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट्स टू बी स्टोलन और अनलॉफुली ऑब्टेन, मतलब उसी सामान को, उसी रेलवे प्रॉपर्टी को हम कब्जे में लेंगे जो कि या तो अनलॉफुली लिया गया है, प्राप्त किया गया है, या चोरी का हो। ऐसा ना हो कि अब रेल की प्रॉपर्टी के बहुत सारे आजकल आउटसोर्सेज हो गए हैं रेल में सामान के, कि भाई वहाँ से सामान ला करके लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्टी हो, सामान हो, सब कुछ हो, तो भी उसको अनलॉफुली मान लिया जाए। नहीं, वही सामान जिस पर यह पूरी तरह से संदेह हो कि यह चोरी का हो और यह अनलॉफुली ऑब्टेंड किया गया है, उसी को अपने पोजेशन में, अपने अधिकार में लेंगे। अब अधिकार में लेंगे तो सामान का करेंगे क्या, तो टू कन्वे सच रेलवे प्रॉपर्टी बिफोर अ मजिस्ट्रेट। सबसे पहले तो क्या है कि उस रेलवे प्रॉपर्टी जो सीज करेंगे, जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया है सर्च का, उसके पास आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अनटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। और ये भी कहा गया है कि आप उस प्रॉपर्टी को तब तक गार्ड करें जब तक कि जो ऑफेंडर है वो ऑफेंडर को भी पकड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने ना दिया जाए। साथ ही साथ अदरवाइज टू डिस्पोज देयर ऑफ इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब ये नहीं है कि अब 15 दिन तक मिला ही नहीं एक्यूज तो फिर हम वही दुकान पे बैठे रहे, लेकिन तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में हमें ये करना है कि सामान को प्रॉपर कस्टडी में लेना है और उस कस्टडी के साथ उसे एक सेफ प्लेस पे सेफ्टी से रख देना है। तो ये चार क्लॉज इसमें दिए गए कि आप कैसे इसको एक्सिक्यूट करेंगे। तो आज हमने सेक्शन 8, 9 और 10 पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, श्योर है। तो चलिए दोस्तों, अगर यह मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, और अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, साथ ही साथ इससे बहुत से लोग लाभान्वित हो सके। और अगर ये इस चैनल पर बने वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।